वेलकम टू माई YouTube चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप 8 मंथ में कैसे जान सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है या बेबी बॉय कंसीव किया है। फ्रेंड्स, जब तक हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक हमारे मन में चलता रहता है कि आने वाला बेबी क्या होगा और फैमिली के दिमाग में। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप 8 मंथ में भी आप गेस कर सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम है 8 मंथ में पता करने का कि आपने क्या कंसीव किया है। फ्रेंड्स, 8 मंथ में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि लास्ट अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड होता है। अगर उसमें आपका जो बच्चे का हार्ट बीट होता है, जो बच्चे की जो हार्ट बीट 140 से अगर आप कम आती है तो आप 101% श्योर हो जाइए कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और फ्रेंड्स, कुछ ही 1-2% ही चांस रहता है बेबी गर्ल होने का, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है बेबी बॉय ही होता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको 8 मंथ में भी आपको ज़्यादा बच्चे की मूवमेंट नहीं पता चल रही है, कम पता चल रही है या थोड़ा बहुत पता चल रही है, तो आप एक श्योर हो सकते हैं, आप एक पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और आपके बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे की मूवमेंट पता चल रही है, दिन में कई बार पता चल रही, तो आप श्योर हो जाइए कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और रही बात हार्ट बीट की, अगर लास्ट में 170 के ऊपर व 160 के ऊपर अगर आपकी हार्ट बीट आ गई लास्ट के अल्ट्रासाउंड में, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं और कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या होता है कि 8 मंथ में अगर आपका पेट एकदम सामने की ओर दिख रहा है, बीच में, मतलब कि बीचों बीच पेट दिख रहा है और नीचे की ओर झुका हुआ है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका पेट एकदम से बहुत बड़ा दिख रहा है, चारों तरफ बराबर है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा सिम्टम ये भी, अगर आपको आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है, आपको चेस्ट के बाद भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, तब भी एक बेबी बॉय होने का सिम्टम है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम, उठने बैठने में, और आपको लग रहा है आपको चेस्ट एकदम भारी भारी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि बच्चा एकदम से ऊपर ही है, तो ये एक बेबी गर्ल होने का सिम्टम है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको भूख लग रही है, मतलब कि आपको कुछ खाने का मन कर रहा है और आपको वोमिटिंग भी नहीं हो रही, तो ये भी बेबी बॉय होने का सिम्टम है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।